नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेले चने की दाल बनाने जा रहे हैं। करेले चने की दाल बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स आपके स्क्रीन पर हैं। एक कटोरी के करीब मैंने चने की दाल ली है। अगर बड़ी कटोरी है तो आधी लें। उसको अच्छे से धोकर और पानी में भिगो कर रख दें चने की दाल को, या रात में भिगो दें या 2-3 घंटे पहले भिगो दें। आधी कटोरी के करीब चने की दाल लें। करेले हमने काट लिए हैं। अगर बीज इसके मोटे हैं, पके हुए, तो निकाल दें, कच्चे बीज उसमें ही रहने दें। काटने के बाद हम उसमें नमक डाल के छोड़ देंगे आधा घंटा या 1 घंटे के लिए। इस तरह से आप इसको अच्छे से नमक डाल कर छोड़ दें। इससे करेले का जितना भी कड़वापन है वो सारा निकल जाएगा। कड़वा होने की वजह से करेले लोग खाते नहीं हैं, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। इस तरह से मैंने चने की दाल को भिगो कर रख दिया है और करेले को भी। 2-3 घंटे के बाद आप दाल को आधा गिलास पानी के करीब डालें, उसमें आधा या 1 गिलास, जिसमें कि दाल उसी में सूख जाए। थोड़ी सी हल्दी डाल दें, थोड़ा सा नमक डाल दें। इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी डाल दें, मैं डालना भूल गई हूँ, 1-2 टीस्पून के करीब। ये हमने करेले बहुत देर हो गई, उसके बाद इस तरह से हमें मसल मसल के उसका ये कड़वा पानी सारा निकाल लेना है अलग से। जितना भी इसका कड़वा था नमक से निकल गया। इसे पानी में अच्छी तरह से धोने के बाद हम इसको हल्का सा बॉईल करेंगे नमक के पानी में। इसे आप 3-4 पानी में अच्छे से धो लें। उसके बाद उसमें हम 1/2 टीस्पून के करीब नमक डालकर, या 1 टीस्पून भी डाल दें। हल्का सा एक उबाल देना है गर्म पानी में और करेले उबाल लेने। उबाल के आप करेले अच्छी तरह से छान कर पानी उसका निकाल के उसको ठंडे पानी में धो लें साफ में, जिससे उसका सारा एक्स्ट्रा नमक जो हमने डाला था उबालते टाइम वो निकल जाए। कम से कम 3 बड़ी प्याज ली हैं मैंने और 2 प्याज के करीब मैंने इसमें तेल में डाल दी हैं। करेले में प्याज बहुत ज़्यादा लाल नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हम इसमें अपने करेले डालेंगे। इसे नमक वाले गर्म पानी से निकालकर अच्छी तरह से साफ पानी से धो लें, सादे पानी से। हल्के फ्राई होने पर करेले हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक नहीं डालनी है इसमें, सिर्फ आप लहसुन डालें। 1-2 टीस्पून के करीब लहसुन मैंने डाला है। जब लहसुन अच्छी तरह से उसका पक गया, कच्चापन निकल गया, तो उसके बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हल्दी भी इसमें नहीं डालते हैं। या अगर आपने डालनी है तो थोड़ी सी बिल्कुल डालें, क्योंकि इसमें हमने दाल चने के दाल में हल्दी हमने डाल दी है, तो करेले में हल्दी ना डालें। करेले में हल्दी डालते भी नहीं है। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून के करीब सौंफ ली है और 1 टीस्पून के करीब या 1/2 टीस्पून के करीब हमने करेलों के हिसाब से, अगर आपके ज़्यादा करेले हैं और चने की दाल भी आपके ज़्यादा है तो 1 टीस्पून डालें, वरना आप 1/2 टीस्पून राई या सरसों जो भी है वो डालें। 3-4 टमाटर बड़े लें और उसको हल्का हल्का हमने दरदरा पीस लिया है, आप इसे ग्रेटा भी कर सकते हैं, वो डाला है। इसमें सौंफ और राई डालना भी ज़रूरी है। करेले का पूरा मसाला नहीं डालना हमने, क्योंकि चने की दाल हम बीच में डालेंगे इसके, तो वो पूरा मसाला अच्छा नहीं लगेगा। नमक हमने 1/2 टीस्पून के करीब डाला है। थोड़ा नमक हमारा दाल में भी है, उसके हिसाब से नमक डालें। अब हमने जो 1 प्याज, 3 में से 1 प्याज हमने काट कर रख ली थी, वो अब हम उस पर ऊपर से डालेंगे कच्ची प्याज। करेले में कच्ची प्याज ऊपर से डालें तो बहुत अच्छी लगती है। उसे पका लें। चने की दाल हमने जो हल्की गला ली थी पूरी तरह से पका लिया समझो, तो अब हम उसमें दाल डालेंगे। इतनी ना पकाएं कि हलवा बन जाए दाल का, हिली खिली रहे और पक भी जाए। यहाँ हम इसमें
थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें दाल डाली है तो आप इसमें गरम मसाला वगैरह डाल सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी ना डालें, धनिया ना डालें पिसा हुआ, गरम मसाला और लाल मिर्च इसमें डाल दें बस। मैंने गरम मसाला भी नहीं डाला इसमें वैसे, और हरा धनिया इसमें अच्छा सारा डालेगा। हमारी रेसिपी चने की दाल और करेले की रेसिपी बनकर बहुत बिल्कुल तैयार है, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, स्वादिष्ट होती है। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।